नमस्कार मु केट सब इंस्पेक्टर अत्राही भंजन सासमल बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग टॉपिक गोटे थिला एंड बहुत थर बहुत जन पचारे भी मत टाइम हो नाला ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बिकॉज मुझे तो ढेंकानाल ट्रेनिंग रे अच्छी विज ऑफिस एंड बैटालियन विजिट रे एनीवे तो टॉपिक थिला कि हाउ टू टेकल द ट्रांसलेशन पार्ट इन योर लैंग्वेज पेपर माने जो ट्रांसलेशन पार्टा आसे ट्रांसलेशन क्वेश्चन बहुत सारा आसे इंग्लीश टू ओडिया मोस्टली तो सेटा को केमती टैकल करिवे कहबो गला तो बहुत ही इजी बट सब अधिक भूल हुए से पार्ट रे जो ट्रांसलेशन पार्ट रे इंग्लीश टू ओडिया बाकी पार्ट देखियो गले से इंग्लीश रो करेक्ट द एरर वाला पार्ट हो या जहां भी अलग वोकैबुलरी पार्ट हो से गुडा को देखियो गले एटा तो बहुत इजी वाला पार्ट माने इट सीम्स सो लागे कि एटा इजी बट एटा एक्चुअली इजी नहि है बहुत भूल एथरे हुए एंड नेगेटिव मार्किंग चांसेस बहुत एथरे अछि कोन पई काहे कि ना गोटे जेतले से सेंटेंस देथिबो क्वेश्चन जो सेंटेंस देथिबो एंड ताकु आमे जेतले सॉल्व करिया को जाऊ तर जो चारटा ऑप्शन देथिबो सपोज गोटे इंग्लिश सेंटेंस देला एंड चारटा तारो ओडिया ओडिया ट्रांसलेशन चारटा ऑप्शन देथिबो एंड आपनको लागिबो कि सब गोटा ठीक अछि बिकॉज़ सब गोटा सेम मीनिंग ही थिबो मे बी गोटे अलग थिबो बट आपनको लागिबो कि बाकी तीनटा तो पूरा सेम ही ठीक अछि तो आपन सेतिरे हॉट बॉडी रे या भल से डिसाइड न करि पारि कि को क्वेश्चन टा ठीक हबो या को ऑप्शन टा तार एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम सीटा आप टिक न कर पाले सी आपर भूल हम अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग गोटे हो तो आप कौन कर देख फर्स्ट आमको फोकस करार अच्छी कि पार्टस ऑफ स्पीच कौन अच्छी जिते भी सेंटेंस दे थोड़ा फर्स्ट कही हाउ टू टेकल देन मुझे कहि ताकि प्राक्टिस किन कर तार स्ट्राटेजी कौन रहा है कि सो दैट आप इजी हो एग्जाम तो मुझे फर्स्ट कही कि एग्जाम आपकी टेकल करेंगे फाइन फर्स्ट थिंग है आपको पार्टस ऑफ स्पीच गुड़ा को फर्स्ट अंडरलाइन कर दिखाँ जहाँ भी आपको सेंटेंस देती सेंटेंस रे पार्टस ऑफ स्पीच जस्ट लाइक सब्जेक्ट कौन अच्छे एक्जाक्टली तार मेन वर्बटा कौन अच्छी तो मेन वर्बटा को टेंस रे अच्छी को माने से डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी इंडायरेक्ट स्पीच रे अच्छी एक्टिव वॉइस रे अच्छी या पैसिव वॉइस रे अच्छी ताको फर्स्ट ऑब्जर्व करंतु फाइन देन ताको देखंतु बाकी को ऑप्शन सहित से लिंक होची को ऑप्शन रे जदि से क्वेश्चन देती एक्टिव वॉइस रे तो ऑप्शन देखंतु एक्टिव वॉइस रे अच्छी कि नहीं यदि पैसिव वॉइस रे क्वेश्चन अच्छी तो ऑप्शन देखो पैसिव वॉइस रे अच्छी कि नहीं यदि क्वेश्चन इंडायरेक्ट स्पीच रे अच्छी इंडायरेक्ट स्पीच रे देन ऑप्शन देखो इंडायरेक्ट स्पीच रे अच्छी कि डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी तो इंडायरेक्ट स्पीच वालाटा को देखो फर्स्ट से भी तो दुटा इंडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन थी पारे अगेन से दुटा भितर आपको तार वर्ब दुटा को चेक कर आर वर्ब रो टेंस रे अच्छी सी वर्ब रो टेंस एंड को टाइम रे अच्छी देन बाकी तार जो मेन सब्जेक्टा सी सब्जेक्ट जगार अच्छी ऑब्जेक्ट जगार अच्छी तो से गुड़ा कौन आप ऑब्जर्व करेंगे जदि इंग्लीश सेंटेंस रे इंग्लीश जो सेंटेंस अच्छी से सपोज गोटे वर्ड एक्स वाई जेड से जो सब्जेक्ट अच्छी ओडिया रे भी सेटा सब्जेक्ट रे ही थिवार अच्छी जदि ये ऑब्जेक्ट अच्छी देन सी भी ऑब्जेक्ट रे थिवार अच्छी कर्ता सब्जेक्ट मीन्स एथरे कर्ता थिवार अच्छी जदि सी ऑब्जेक्ट अच्छी देन कर्म रे थिवार अच्छी फाइन एटा कोन आपनको फाइंड आउट करियार अच्छी एंड सेटा पई आपनको फर्स्ट इंग्लीश एंड ओडिया ग्रामर थरो हेबाकू पडिबो इंग्लीश एंड ओडिया ग्रामर थरो एत भी दरकार नहीं जस्ट आपको जब पार्टस ऑफ स्पीच ठीक से जाना अच्छी कौटा कौन जब जापड़ फाइंड आउट कर पार्टी देन एटा आपको इजी हो फाइन एटा ही रहा नॉर्मल ट्रिक एंड एटा आप प्रैक्टिस केमती करेंगे कौन कले ये आप बेटर हो पार सिंपली अगेन मुझे कहि कि आप इंग्लीश एंड ओडिया ग्रामर पोर्शन टाक कम्प्लीटली कवर कर दिंतु सब गुड़ाक नॉट जस्ट पार्टस ऑफ स्पीच रादर देन तार टेन्स वर्ब्स मॉडल वर्ब्स पैसिव एक्टिव वॉइस देन डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बोथ इन इंग्लीश पेपर एंड ओडिया पेपर फाइन कवर कलापर जदि आप फर्स्ट रू कही जब आपर हैबिट अच्छी इंग्लीश न्यूज पेपर रिडिंग करार देन से आपको ये बहुत हेल्पफुल हो जापर इंग्लीश न्यूज पेपर आई मीन मुझे कि इंग्लीश न्यूज पेपर पूरा एंड टू एंड पढ़ार अच्छे इंग्लीश न्यूज पेपर एंड टू एंड पढ़ाई ना पार टाइम अच्छी जहाँ तार किसी ना तार किसी से बेनिफिट आपर प्रिपेरेसन में किसी सेमती हेल्पफुल हम ना मुझे सिंपली सब कहे कि एडिटोरियल सेक्शन टाक उठात दुटा आर्टिकल पढ़ु बेस्ट टाइम ना बेसी बेसी पांच मिनट दस मिनट जो जिते आपर हैबिट हो आहरी भी कम टाइम पांच मिनट दुटा जगह आर्टिकल खत्म हो किसी ना पांच मिनट भी जाओ गोटे गोटे आर्टिकल आप टेन मिनट्स भी जाओ जब आप मैंने हैबिट ना पढ़वर से आप टेन मिनट्स भी जाओ गोटे आर्टिकल किसी बड़ कथ ना ट्वेंटी मिनट्स पर डे सी आसिक आपे आपे से कमी डेली आप हैबिट अच्छी डेली से कमी कमी फिफ्टन मिनट्स को आसो दुटा आर्टिकल सारा बेले छोटिया छोटिया आर्टिकल आर्टिकल थाए एडिटोरियल एडिटोरियल सेक्शन मुझे कहूनी पूरा पेपर पढ़े अच्छी एडिटोरियल सेक्शन को जी दुटा आर्टिकल भलसे पढ़े से दुटा आर्टिकल पढ़ला भितर आपर कौन कौन बेनिफिट हम आप इंग्लीश क्लोज टेस्ट करदे इजिली ट्रांसलेशन पार्ट आपको इज हो कहीं आप डेली जो पढ़ुवे ना आपर हैबिट हो बुझार आपको से हैबिट मैंने घोषार ना डेली प्राक्ट कर ना यहाँ गोटे मैंने हैबिट जो आप हैबिट करेंगे डेली सी आपे आपर ब्रेन आसो एंड आप क्वेश्चन देखते सल्व करदे आपको लगे मुझे ट्रांसलेशन सेमती किसी करी प्राक्ट बट हो
जो आप डेली हैबिट ऑफ न्यूज़ रीडिंग न्यूज पेपर रीडिंगटा आपको हेल्पफुल हम जो मैंने न्यूज पेपर रीडिंग करेंगे से बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे एमती ना कि करें क्वेश्चन इज ही आसे बट कन्फ्यूजन में बहुत सारा क्वेश्चन रंग हो जाए नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो मुझे चाहूनी आपको से कहीं बहुत इजी एंड पक्का क्वेश्चन आसे ट्रांसलेशन पार्ट को लेकिन ट्रांसलेशन पार्ट को लेकिन बेसी कन्फ्यूजन होवार दरकार ना आपल डेली कौन करेंगे डेली आपको न्यूज पेपर रीडिंग करार अच्छे एडिटोरियल सेक्शन जब भी आगू पढ़ू ना एवं पढ़ु गोटे मस सफिसीएंट जदि एग्जाम गोटे मस तो गोटे मस जब पढ़े तो भल कथ आउ दुई मस जब एग्जाम दुईमास हम तो आहरी भल कथ आउ दुईमास हैबिट मिलगला हैबिट जेनेट करें तो जब मैंने क्यों मैंने भावे कि सर मगर तो पढ़नी आउ हेबनी ए टाइम तो मुझे न्यूज पेपर पढ़नी सर कहे कौन न्यूज पेपर पढ़ाई मुझे न्यूज पेपर पढ़नी मुझे बहुत हैरान होगी ना सेमती ना न्यूज पेपर जो मैंने पढ़ा हैबिट अच्छे तो भल कथ जो मर न्यूज पेपर पढ़ा हैबिट भी ना से न्यूज पेपर पढ़े आज स्टार्ट करूँ आज ही न्यूज पेपर पढ़ु एंड आज आर्टिकल दुटा पढ़ी खत्म करूँ फाइन एंड तापर आप ग्रामर खत्म करदे बस हो गला ट्रांसलेसन नट ए बिग डिल या पचरे एत कि टेनसन होबार ना बट एटाक आप छाड़ भी पारे जदि एमती केयरलेसली छाड़देव हाँ देखा ट्रांसलेसन कौन अच्छी पिला तो करुच्छे जस्ट खाली बुझार अच्छी ना जब सेमती छाड़देव हो पारे बिकज आपर हैबिट ना इंग्लीश पेपर न्यूज पेपर पढ़वार फाइन तो न्यूज पेपर पढ़ले आप दिमाग से सी तार आपे सी मीनिंग बाहर करके कंप्रिहेंड करुच्छा हेल्पफुल होती न्यूज पेपर जब आप बुझुच्च देन ओनली ना आपको माने ताकु ट्रांसलेट करुच्छे देन ओनली आप बुझुच्च कौन से लिखाई तो डेली डेली सी आपे ऑटोमेटिक हो दिन आप हैबिट हो गला आपको ट्रांसलेसन करा दरकार डायरेक्ट आपको बुझीजे तो से आप स्किलटा आसो कि आर एक्जाक्ट ओडियाटा कौन हम ता सहित आउ गोटे जगह कौन प्रॉब्लम हुए कि पिलांकर केतेटा बहुत जनकर इंग्लीश बहुत स्ट्रंग था कि ओडिया पेपर ओडिया मीनिंग जान ना केतेटा ओडिया वर्ड थाए से सेंटेंस तार मीनिंग जान ना ताकि भी आपको काम करार अच्छे सिंपल ओडिया जो आप पढ़े ओडिया आप वोकैबुलरी पढ़ाक पड़े आपको ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ाक पड़ो तो से आपको हेल्पफुल हम फाइन तो आई होप ये आपको हेल्पफुल हो ट्रांसलेसन को टैकल करने एंड बेसी टेनसन नि जहाँ कहली सिंपली से करूँ न्यूज पेपर रीडिंग मुझ मोस्ली बहुत सारा स्ट्राटेजी कही था बिकज न्यूज पेपर रीडिंग गोटे हैबिट जोड़ा आपंकर बहुत सारा जिनस हेल्पफुल कर करंट अफेयर्स हो इंग्लीश पैसेज सॉल्विंग हो क्लोज टेस्ट सॉल्विंग हो करेक्ट द एरर हो या ट्रांसलेशन हो या बहुत सारा जिनस कॉम्प्रिहेंशन हो एनिवे तो सबुत्र से हेल्पफुल हम से जो थे से हेल्पफुल मुझे से करदे एंड सहित बहुत जन मैं आस्पिरेंट पचारती कि सर मत यही सब्जेक्ट में कहतु से ही सब्जेक्ट में कहतु बाबा आउ कई जन कहते हैं डायरेक्ट मतलब सर बुक लिस्ट दे दिखाँ मुझे बुक रू पढ़ देवि ना मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाऊँगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक दैट मीन टू टॉपिक स्पेसिफिक तो युवा आप देखो एंड मुझे जहाँ कहे से अकॉर्डिंगली तो फॉलो करूँ ना फाइन ठीक अच्छे आई होप आपको प्रिपेरेसन बहुत भलसे चलती है एंड हाँ बहुत दिन है मोर मैं वीडियोस आसपारे एंड रेगुलर बेसिस आसपारे बिकज मुझे डे बाय डे बिजी जाऊँ ना कि मुझे वीडियोस आने डेफिनेटली वीडियोस आनबी आपण सहित सब रही एंड माय एम इज कि आपणकर किमती ना फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आसीजो फाइन मोर एंड आपणकर बोथ दुजणकर सही सेम टारगेट मुझे सहित अच्छी आपको हार्डवर्क करा पड़ो आपको से डेडिकेसन में पढ़ाक पड़ो बिकज मुझे आप हार्डवर्क करदे पार्वानी आपको पढ़ाक पड़ो मुझे जस्ट गाइड करी फाइन आपड़ा हनुमान मुझे जम्बुवान आपको खाली कहीदे कि आप कैपेबिलिटी अच्छी एंड यू कैन डू इट फाइन एंड मुझे गाइड भी करदेवि आपको कह भी दूसरी कि कौन करेंगे कमी करेंगे जस्ट खाली करूँ एनिवे रही मेटी धन्यवाद जय हिंद जय भारत।